हेलो फ्रेंड्स, मधोज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कच्चे आम और पुदीना के पत्तों से बना हुआ बहुत ही टेस्टी चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय आम पुदीना बहुत ही आसानी से मिल जाता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें मैं एक बाउल फ्रेश पुदीने के पत्ते डालूँगी। ये पुदीना मैं अपने गमले से तोड़ कर लाई हूँ और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने कच्चा आम लिया है, इसे छिल के मैंने छोटे टुकड़े में कर लिया है। बहुत ही खट्टा आम है, इसे डालेंगे। 3 कली मैंने लहसुन का लिया है, इसे डालेंगे। लहसुन हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। मैंने 2 सूखा लाल मिर्च और 1 हरा मिर्च लिया है, इसे डालेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो मिर्च की मात्रा थोड़ा सा कम कर लें। 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 2-3 चम्मच मैं इसमें पानी डाली हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। दरदरा पीसने के बाद मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। ये हमारी टेस्टी चटपटी आम पुदीना की खट्टी सी चटनी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। गर्मी के मौसम में मैं इसे हमेशा बनाती हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी आम पुदीना की चटनी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हम नई रेसिपी में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।